हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सीवीगंज बरेली में। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं केमिस्ट्री कक्षा 12 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नेक्स्ट पार्ट। पिछली वीडियोस में हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था, जिनमें हमने एडिशनल रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये चार टाइप्स की अभिक्रियाओं को पढ़ लिया है। मींस एल्डिहाइडों और कीटोनों के योगात्मक गुण और विस्थापन गुण, इसके अलावा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और अपचयन अभिक्रियाओं को हमने पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम इनके अन्य अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली रासायनिक जो इसका गुणधर्म है वो है सी डी ई पार्ट। ई पार्ट में हम अन्य अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो अन्य अभिक्रियाओं में कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं? तो सबसे पहली अभिक्रिया एल्डॉल संघनन। इसे अंग्रेजी में एल्डॉल कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या होती है यह अभिक्रिया? जब दो एल्डिहाइड का हम दो मॉलिक्यूल्स का आपस में रिएक्शन कराते हैं तो उनसे हमें क्या प्राप्त होता है वो इस अभिक्रिया में हमको पढ़ना है। तो यहां पर दो हम एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। तो एक हमने ले लिया CH3CHO, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड, या इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है एथेनल। तो इस एथेनल का हमें क्या करना है? इसी के साथ संयोग कराना है। किस तरह से? तो यहां पर CH3 को मैं इस तरह से लिख रहा हूं और ये CH3 हो गया और ये CHO ऐसा का ऐसा ही। तो ये भी एसिटाल्डिहाइड यानी एथेनल। तो इन दोनों का जब रासायनिक संयोग होता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? यहां से ये ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर गेन कर लेगा, जिसके कारण इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और इधर क्या होगा, ये वाला जो CH3 का हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड को ब्रेकअप करेगा और प्लस चार्ज बनाएगा। तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज और इसके रेस्पेक्ट में इस कार्बन पर आ जाएगा माइनस चार्ज। तो क्या होगा, प्लस वाला पार्ट माइनस से जाकर के अटैच हो जाएगा और जो प्लस वाला चार्ज है वो यहां पर माइनस से अटैच हो जाएगा। क्या बनेगा, यहां पर CH3C और इससे H लगा हुआ है, ये ऐसा का ऐसा ही, ऊपर O, ये O है, O के साथ क्या ऐड हो जाएगा H, तो ये बन गया OH। इसी तरह से अब कार्बन से आकर के क्या जुड़ेगा, इतना पूरा पार्ट ये क्या बना लेगा, C यहां पर H और ये H और इधर CH और डबल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट हमको मिला। इसे हम बोलते हैं एल्डॉल। क्या बोलते हैं? एल्डॉल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह भी है और अल्कोहल समूह भी उपस्थित है, तो इसको हम कंबाइंड रूप में एल्डॉल बोलते हैं। जब इस एल्डॉल का हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होगा, यहां से ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये हाइड्रोजन ग्रुप, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं और ये निकल जाता है बाहर, जिससे हमें क्या मिलेगा,
यहां से CH3, ये CH बॉन्ड CHO, इसको मैंने अभी कंबाइन करके लिख लिया है CHO। 1, 2, 3, 4, चार कार्बन है इधर, चार कार्बन है। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो इनकम्प्लीट है, इस वाले कार्बन एटम की जो वैलेंसी है वो 1, 2, 3 है। इस वाले कार्बन एटम की हम वैलेंसी की बात करें तो यहां पर भी 1, 2, 3 थ्री ही वैलेंसी है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, यहां पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जिससे हमें इस तरह का ये प्रोडक्ट फाइंड होगा। इसका नेम क्या होगा, यहां से ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड क्या है, हमारा मेन ग्रुप है। तो यहां से अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो ये 1, 2, ये 3 और ये 4, तो ये हो गया ब्यूटेनल। क्या हो गया, ब्यूटेनल। तो यहां पर ब्यूटेनल, ब्यूटेन और अल, तो यहां पर ये हो गया ब्यूट, और क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी है तो इसमें लग जाएगा ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन और अल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेनल टू इन। तो ब्यूटे, ब्यूटेनल और टू इन, ब्यूटेनल टू इन, ये पूरा ब्यूटेनल हो गया अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता। अब दूसरे नंबर के कार्बन से यहां पर डबल बॉन्ड है तो वो ये हो गया इन, तो ये हमें मिल गया ब्यूटेनल इन। इसी तरह से जब कीटोन अभिक्रिया करे तो क्या मिलेगा, यहां पर देखते हैं, तो कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3, इसी तरह से रिएक्ट करेगा CH3, ये CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। क्या होगा, ये बिल्कुल सेम रिएक्शन, कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन से इस बॉन्ड को ब्रेकअप करके इधर माइनस चार्ज क्रिएट कर लेगा और यहां पर कार्बन पर प्लस चार्ज, बिल्कुल सेम टाइप, यहां पर भी हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, तो प्लस वाला पार्ट माइनस वाले से रिएक्ट कर लेगा और जो माइनस वाला पार्ट है वो प्लस वाले से रिएक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, CH3 C, और यहां पर C के साथ क्या आ जाएगा, OH, ये हो गया OH, और यहां पर इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ये CH3, तो ये CH3 इधर लिख लिया नीचे की ओर, और इससे क्या जुड़ेगा, इस वाले कार्बन एटम से इतना पूरा ये CH2, इसको इस तरह से लिख ले रहे हैं CH2, ये हो गया CH2, CO, नेक्स्ट CO और इससे CH3, ये। अब ये बनाएंगे क्या, ये क्या बना, यहां पर जब एल्डिहाइड ने रिएक्ट किया था तब तो बन गया था ये एल्डोल, एल्डिहाइड था और ये ऑल बन गया। यहां पर कौन रिएक्ट कर रहा है, ये है कीटोन, इसका नाम एसीटोन होता है, तो कीटोन ने अभिक्रिया की है कीटोन के ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में, तो यहां पर क्या बनेगा, ये कीटोन है और इसमें अल्कोहल ग्रुप है, तब ये बन गया कीटोन और ऑल, कीटोल, इसको हमने एल्डोल कहा, इसको हमने कीटोल, बिल्कुल सेम टाइप। क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, जिससे वाटर मॉलिक्यूल H2O हो जाएगा बाहर, और क्या बचेगा यहां से, CH3 C, इधर CH3, यहां से CH और ये बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये हमें कीटोन प्राप्त हुआ, लेकिन साथ ही साथ
यहां पर कार्बन, इन दोनों कार्बन एटम्स की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तीन तीन वैलेंसी है, 1 2 3, ऐसे ही इसकी 1 2 3। तो ये क्या करेंगे, वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। तो ये क्या बनाएगा, ये कीटोन समूह इसमें उपस्थित है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये बन गया पेंटेनोन, पेंटेनोन 2। दूसरे नंबर के कार्बन पर कीटोन समूह लगा हुआ है और इधर से 2 3 3, थर्ड नंबर के कार्बन एटम पर ईन लगा हुआ है, तो ये हो गया पेंटेनोन 2 और या पेंटेन 2-ओन, इसको पेंटेन 2-ओन लिख लेते हैं, पेंटेन 2-ओन कॉमा 3-ईन। दूसरे नंबर के कार्बन पर ओन समूह लगा हुआ है, कीटोन समूह लगा हुआ है और तीसरे नंबर के कार्बन एटम पर ईन यानी कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ये जो अभिक्रिया होती है ये क्या होती है, किसी क्षार की उपस्थिति में की जाती है। तो यहाँ क्या होगा, जो एल्डा मतलब एल्डिहाइड्स हैं वो किसी क्षार की उपस्थिति में, इसी तरह से जो कीटोन है ये भी किसी क्षार की उपस्थिति में ही अभिक्रिया करके एल्डोल और कीटोल का निर्माण करते हैं। अगली अभिक्रिया है क्रॉस एल्डोल संघनन। ये क्या अभिक्रिया होती है, क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, अभी हमने एल्डोल संघनन अभिक्रिया पढ़ी थी, इसमें क्या होता था, दो एक समान जो एल्डिहाइड अणु थे या दो समान कीटोन के अणु थे वो आपस में क्रिया करके कीटोल या फिर एल्डोल का निर्माण कर रहे थे। लेकिन इस अभिक्रिया में क्या होता है, दो एक समान एल्डिहाइड अणु या फिर एक एल्डिहाइड अणु और एक कीटोन अणु आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, जिससे इस अभिक्रिया में क्या होता है, कीटोन और एल्डिहाइड अभिक्रिया करके एल्डोल बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं वो इस अभिक्रिया में हम देखेंगे। तो एक एल्डिहाइड का हम अणु ले लेते हैं, सिंपल सा CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये हो गया एसिटल्डिहाइड। इसकी क्रिया हमें किससे करानी है, एक कीटोन समूह से, या तो दो एल्डिहाइड लेना है, अब वो भी कैसे, अलग अलग, एक हमने एसिटल्डिहाइड ले लिया तो दूसरा कौन सा लेंगे, प्रोपेनल्डिहाइड या फिर और कोई सा, प्रोपेनल्डिहाइड। तो यहां पर मैंने एक एसिटल्डिहाइड ले लिया है और एक कीटोन समूह ले लेते हैं, तो यहां पर एल्डिहाइड समूह लेना है तो वो दोनों अलग अलग, कीटोन समूह लेना है तो वो भी दोनों अलग अलग, और जब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लेंगे तब तो वो दोनों अलग अलग हैं ही। तो यहां पर एक एसिटल्डिहाइड ले लिया और एक कीटोन समूह ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये हो गया कीटोन, इसका जो नेम होता है वो होता है एसीटोन। तो एक एसीटोन हो गया, इसका नाम ये क्या है, एल्डिहाइड, तो एक एल्डिहाइड हो गया और एक कीटोन। तो यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन की हम रिएक्शन करा रहे हैं किसी भी क्षार की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, बिल्कुल सेम टाइप, यहां पर भी ये जो हाइड्रोजन एटम है इनको मैंने अलग अलग कर लिया, ये ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिससे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिस पर इस पर माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज। यहां पर ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने ऊपर प्लस चार्ज क्रिएट कर लेगा, इससे माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ये अलग हो जाएंगे, तो ये माइनस वाला चार्ज क्या करेगा, इस प्लस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और क्या बना लेगा, OH समूह। ये कार्बन पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड अप बना लेगा, तो यहां पर ये बन जाएगा CH3C और ये हो जाएगा OH और यहां पर हाइड्रोजन। नेक्स्ट, इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, ये वाला कार्बन जिस पर
दो हाइड्रोजन हैं और इधर CO और ये CH3, जिस कारण क्या होगा, ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल क्रिएट कर बाहर निकल जाएंगे और मेन जो हमारा उत्पाद है वो बन जाएगा कुछ इस तरह से। यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, CH और ये CO CH3। तो यहां पर क्या बन गया, ये बन गया 1 2 3 4 5, 5 के लिए प्रोपेन, और ये क्या है 1 2 3, थर्ड नंबर पर ईन है और दूसरे नंबर पर ओन है, प्रोपेन 2 ओन और यहां पर 3 ईन, तो प्रोपेनोन 2 या और 3 ईन, ये प्रोडक्ट हमको फाइंड हुआ इन दोनों के मिश्रण से, एल्डिहाइड और कीटोन से। तो क्रॉस एल्डोल में कोई भी दो असमान एल्डिहाइड अणु या फिर दो असमान कीटोन अणु या फिर एक एसिटल्डिहाइड और एक कीटोन अभिकृत होकर के हमें जो उत्पाद बनाते हैं, इस तरह की अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। इस अभिक्रिया में भी हमको एल्डोल और कीटोल प्राप्त होते हैं। अगली जो अभिक्रिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है परीक्षा की दृष्टि से भी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, ये अभिक्रिया, ये अभिक्रिया केवल बे एल्डिहाइड प्रदर्शित करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, एल्डिहाइड जैसे फॉर्मल्डिहाइड, यहां पर HC डबल बॉन्ड O और ये H, तो ये एल्डिहाइड का समूह हो गया, समूह क्या होता है CHO, तो ये तो समूह हो गया, इससे जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट कार्बन एटम होगा ये कहलाता है अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसी तरह से CHO ये एल्डिहाइड समूह, इससे कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। अगर इस पर जो भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो कहलाएंगे बीटा हाइड्रोजन, इससे जो कार्बन एटम से जुड़े होंगे हाइड्रोजन वो कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर केवल बे एल्डिहाइड ही इस अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। तो इस फॉर्मल्डिहाइड में बात करें तो यहां पर इससे जुड़ा हुआ कोई भी कार्बन एटम होता ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं। तो ये अभिक्रिया केवल फॉर्मल्डिहाइड या फिर बेंजल्डिहाइड ही प्रदर्शित करता है। फॉर्मल्डिहाइड के जब दो अणु, यहां पर मैं इस तरह से लिख ले रहा हूं HC H और ये डबल बॉन्ड O की क्रिया, जब हम सांद्र NaOH मतलब क्षार से या सांद्र KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो इनसे कराते हैं, तो यहां पर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इसके साथ कराते हैं और इसे गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिएगा यहां से क्या होता है, ये इतना HCOONA ये आपस में क्रिया कर लेते हैं और क्या बना लेंगे HCOONA, ये बन गया सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। बाकी जो बचा वो क्या है, ये
ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, ये आ जाएगा इस स्थान पर और ये बन जाएगा CH3 और ये O और ये H, क्या बन जाएगा CH3OH, जो हो गया मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। तो यहां पर हमें इस अभिक्रिया द्वारा क्या मिला, सोडियम फॉर्मेट और मेथिल एल्कोहल, ये हमारा मेन प्रोडक्ट होता है।